नेशनल मैदान से हम हैं इस वक्त लाइव। मुंबई हीरोज वर्सेस तेलुगु वॉरियर्स, 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई हीरोज थे केवल 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर, एंड ऑफ कोर्स तेलुगु वॉरियर्स वे अहेड ऑफ द गेम। 10 ओवर हो चुके हैं, 64 रन बना लिए, 10 ओवर बाकी हैं, 64 रन बनाने हैं। लक्ष्य बहुत ही आसान, और जब तक मुंबई हीरोज और विकेट्स नहीं लेंगे ये मैच तेलुगु वॉरियर्स के बिल्कुल जेब में है। आराम से छूछा के एक रन लो इधर एक रन लो उधर और बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो 30 गज के दायरे पर जो फील्डर्स हैं उनको थोड़ा और अंदर आना पड़ेगा, सिंगल्स किसी तरह से रोकने पड़ेंगे और तभी बैट्समैन प्रेशर में आके थोड़ा ऊपर से मारने की कोशिश करेगा, और वही एक चांस है मुंबई हीरोज़ के लिए, क्योंकि अगर मैदान में 30 गज के दायरे के अंदर जगह है तो सिंगल्स बड़ी आसानी से ले लेंगे। सीधी गेंद, सिंगल निकाला गया, कुछ खास नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस गेंद को दिशा देनी है, केवल बल्ला दिखाना है और आसानी से सिंगल्स मिल सकते हैं। दैट्स नॉट व्हाट मुंबई हीरोज शुड बी अलाउइंग देम टू डू। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, वीर मराठास वर्सेस केरला स्ट्राइकर्स अगला मैच, लेकिन इस वक्त हिंदी फिल्म जगत के खिलाड़ी तेलुगु फिल्म जगत के खिलाड़ियों के साथ भिड़े हुए हैं। अपूर्वा लाखिया ने शानदार बल्लेबाजी की है, आदर्श अच्छे ऑलराउंडर वरुण बड़ोला उनको गेंदबाजी करते हुए लेग साइड पे जाती हुई, और ये आप क्या फेंक रहे हो, चिड़िया चुग गई खेत, मौका था क्लीन अप पिकअप एंड थ्रो। हालांकि जब नॉन स्ट्राइकर स्टार्ट ले लेता है तो उसके लिए स्ट्राइकिंग एंड पर यानी कि डेंजर एंड पर पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये मामला नजदीक हो सकता था। वत्सल सेठ क्रिकेट के चाहने वाले, हम साथ में खेल चुके हैं, और वत्सल को ही डजंट टेक दिस लाइटली, अगर उन्होंने मिस फील्ड की है तो वो अपने आप को कोस रहे होंगे। ओह बड़ा शॉट, हालांकि पट्टा था लेकिन अच्छा शॉट खेला गया। सचिन लिंप करते हुए, उनके काफ में प्रॉब्लम हुई थी शायद, एक तरह से अच्छा है कि और शक्तिशाली शॉट नहीं था या हवा में और नहीं था, क्योंकि बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ गई थी, और राजा भरवानी ने एक बहुत अच्छा कैच वैसे ही इस मैच में पहले लिया है। अच्छी फील्डिंग राजा की एक बार फिर, एक और सिंगल, अगर बल्लेबाजों पर प्रेशर डालना है तो फील्डर्स को कुछ नया ट्राई करना होगा। बहुत दूर खड़े हैं, 30 गज के दायरे तक आसानी से गेंद पहुंच रही है, सिंगल्स लिए जा रहे हैं। राजा जो लॉन्ग ऑन पर हैं, सचिन जोशी, लेफ्टी सचिन जोशी के लिए ही मे कम इन टू प्ले अगर सचिन उठाकर खेलना चाहते हैं। ओह व्हाट अ शॉट, सचिन जोशी, मतलब इसे कहते हैं होश से प्यार मोहब्बत से खेलना। हाँ जी, बहुत खराब गेंद थी, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह थी सचिन ने कुछ जोर से मारना नहीं चाहा, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं, बस बल्ला थोड़ा सा बॉल पर लगाया, ये देखिए, और आसान चौका। सचिन जोशी प्रूविंग हिमसेल्फ कि वो तेलुगु वॉरियर्स की टीम में फिट बैठते हैं, एंड ही डिजर्व्स टू बी देयर। भाई मालिक भी है तो मैं वही बोल रहा था सर कि डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मेरी टीम में मैं तो खेलूंगा। वेल प्लेड अगेन, और इसी के साथ 2 रन पूरे, 11 ओवर की समाप्ति, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर।